चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन देखेंगे। आखिरकार रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग लैब में कैसे करें, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। अब इसके लिए हमने एक मशीन का इस्तेमाल किया है, वो मशीन हमारा है क्यूडीएक्स यूरिलाइजर 100 प्रो। अब क्यूडीएक्स यूरिलाइजर 100 प्रो को चलाना काफी आसान है, तो हमारे जो कोई भी लैब पर्सनल होंगे वो इसको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये काफी रिलायबल और रैपिड है, जिस वजह से ज्यादा सैंपल को इसमें रन कर पाएंगे और एक एक्यूरेट रिपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे पेशेंट्स को। तो अब ये देख लीजिए, इसके साथ एक यहाँ पे जो स्ट्रिप है, यूरिन स्ट्रिप, ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। अब इसी यूरिन स्ट्रिप को ये रीड करता है मशीन। फुल प्रैक्टिकल वीडियोस इसमें आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम जो हमारा क्यूडीएक्स यूरिलाइजर 100 प्रो है, इसको हम लोग यहाँ पे पीछे पावर बटन है उससे हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्ट्रिप होल्डर दिख रहा है ब्लैक कलर की, तो ये स्ट्रिप होल्डर को क्या करना है कि अच्छे तरीके से प्रॉपरली इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, और क्लीन करने के बाद ये आपको जो है इसमें अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे फिर से लगा देना है। ठीक है, लगा देने के बाद क्या है कि हम लोग जो हमारे स्ट्रिप होल्डर स्ट्रिप कार्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप को हम लोग यूरिन में डीप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में यूरिन को हम पोर कर लेते हैं और वहां पे हम उसमें स्ट्रिप को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी इंश्योर कर लें कि जो हमारा सैंपल आया है वो प्रॉपर सैंपल होना चाहिए। एडिक्वेट यदि सैंपल नहीं है तो आप इसको रिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल पे नाम, उसके ओपीडी नंबर्स, उसके रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आपको कुछ ना कुछ मेंशन तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से डिप कर लेते हैं इसके अंदर। और डिप करने के बाद क्या करेंगे, डिप करने के बाद हम इसको जो हमारा स्ट्रिप है उस पे एक्स्ट्रा जो यूरिन होंगे उसको हम एब्जॉर्ब कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे एब्जॉर्बेंट कोई पेपर होते हैं, जिससे यहाँ फिल्टर पेपर है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा यूरिन को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिप होल्डर है, स्ट्रिप होल्डर पे हम इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर स्टार्ट को प्रेस कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप सैंपल आईडी, पेशेंट आईडी, उसके बाद यदि आपको वहां पे मेंशन करना है, उसके नाम मेंशन करने है, तो नाम मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, जो पेशेंट का नाम है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद इंटर करने के बाद जो है आप यदि कलर चूज करके बताना चाहते हो क्या कलर है यूरिन के, वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। रिपोर्ट में ये भी प्रोवाइड कर सकते हो कलर भी, तो यहाँ पे बस कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बस ओके कर देना है और ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये 30 सेकेंड्स अप्रोक्स लेगा, उसके बाद ये आपके जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए 30 सेकेंड्स वेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टाइमिंग भी चल रही है, आप दिख रहा होगा ये 12, 11, 10 ऐसी ये टाइमिंग चल रही है। तो रिपोर्ट जैसे ही जनरेट होगा आपको इसके प्रिंट भी निकल जाएगी। ठीक है, आप उस प्रिंट में देख सकते हो कि जो रिपोर्ट है वो क्या है, कैसा आया है रिपोर्ट। ठीक है, इसके साथ एक मशीन के साथ कैलिब्रेटर भी आता है, उस कैलिब्रेटर के हेल्प से आप इसको कैलिब्रेट कर लेंगे मशीन को। ठीक है, तो चलिए हमारी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और ये ऑटोमेटेड प्रिंट देता है। तो चलिए हम इसको जैसे स्ट्रिप को हटाएंगे तो हमारा वो प्रिंट जो है वो आ जाएगा। तो देखिए प्रिंट आ चुका है। ठीक है, तो अब उस प्रिंट जो आए हुए रिपोर्ट है आप उसको देख लें। आप इसको ऑफ करने के लिए मेन को प्रेस करें, उसके बाद यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आता है, शट डाउन ऑफ कर दो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो कैसा आया है। ठीक है, तो चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये काफी नॉर्मल रिपोर्ट है। ठीक है,